रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर भड़के तेजस्वी प्रकाश। वेल, क्या है पूरी खबर, किस वजह से वो भड़के हैं, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गेश राव, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेल, तेजस्वी प्रकाश जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं, और ये नागिन सिक्स की नागिन जो है ये भड़क पड़ी है फोटोग्राफर्स पर। दरअसल क्यों भड़क पड़ी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो दरअसल हुआ ये कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर कई सारे क्वेश्चंस जो है वो नीतू कपूर से पूछे जाते हैं जब कभी भी, जहाँ कहीं भी वो स्पॉट होती है। लेकिन यहाँ पर अब तेजस्वी प्रकाश ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि तुम लोग, यानी कि फोटोग्राफर्स को उन्होंने कहा है कि तुम लोग कितना ज़्यादा परेशान करते हो नीतू मैम को, हर बार यही क्वेश्चन करते हो कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी कब होगी। भाई जब होगी तभी सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन इसके लिए इतना ज्यादा परेशान करने की क्या जरूरत है। मैं सारे वीडियोस देखती हूँ। जी हाँ, तेजस्वी कहती हैं कि वो सारे वीडियोस देखती हैं और उन्हें देखकर ये काफी ज्यादा बुरा लगता है जिस तरीके से तुम लोग परेशान करते हो, यानी कि फोटोग्राफर्स को। वो कहती हैं कि जिस तरीके से फोटोग्राफर्स परेशान करते हैं नोरा फतेही को और नीतू कपूर को, तो ये काफी ज्यादा गलत है और इसके लिए जो है तेजस्वी भड़कती हुई नजर आई है और फोटोग्राफर्स की क्लास उन्होंने लगाई है। वेल, हाल फिलहाल बॉलीवुड के ये दो कपल्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, इन दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इनकी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और जब कभी भी नीतू कपूर से ही पूछा जाता है तो वो हमेशा इसको इग्नोर करती हुई नज़र आती हैं। वेल, हाल फिलहाल डेट्स रिवील नहीं करना चाहते हैं फैमिली मेम्बर्स, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 14 to 20 के बीच में इन दोनों की शादी होगी। हाल फिलहाल डेट्स कन्फर्म नहीं है क्योंकि डेट्स चेंज हो चुकी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा फैंस में भी कि आखिर में इन दोनों की कैसे शादी होती है, कब शादी होती है और कब फैंस को दोनों के फोटोग्राफ्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वह जानना चाहूँगी मैं आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।